मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जॉन एलिया उर्दू साहित्य का एक ऐसा नाम है जो हमेशा से साहित्य प्रेमियों की जबान पर रहा है। उनका अंदाज़े बयां काफ़ी अलग था। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जॉन एलिया उर्दू साहित्य की सबसे मशहूर शायर माने जाते हैं। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। उन्होंने जवा दिलों की धड़कन को शब्दों में ऐसे पिरोया कि सुनने वाले को हमेशा के लिए अपना मुरीद बना लिया। जॉन एलिया की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि वो मंच पर आकर अपने लफ्जों को ऐसा जादू बिखेरते थे कि शायरी ख़त्म हो जाती थी लेकिन सुनने वाले नहीं। तेरा ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं, तेरे लिए तो ये महफिल सजाई थी मैंने। साहित्य और शायरी की दुनिया में जॉन एलिया नाम से मशहूर, जॉन का असली नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था। उनका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ था। जॉन एलिया 14 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि जॉन एलिया ने महज 8 साल की उम्र में अपनी पहली उर्दू कविता लिखी थी, लेकिन जॉन की पहली कविता तब पब्लिश हुई जब वो 60 साल के थे। जॉन की शुरुआती पढ़ाई अमरोहा की मदरसों में हुई, जहाँ उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। पाठ्य पुस्तकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में फेल भी हो जाते थे। बड़े होने के बाद उनको फलसफा से दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और फलसफा में एमए की डिग्रियां हासिल की। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। जॉन एलिया इंशा नाम की मैगजीन के एडिटर भी रहे थे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू साहित्य की लेखिका जाहिदा हिना के साथ हुई और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जॉन एलिया और जाहिदा हिना का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद जॉन एलिया बिल्कुल टूट कर बिखर गए और उन्हें शराब की लत लग गई। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उर्दू साहित्य जगत के मशहूर शायर जॉन एलिया गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जॉन अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। 8 नवंबर 2002 को काफ़ी लंबी बीमारी के चलते जॉन एलिया की मौत हो गई। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है।